ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है भाई आप लोगों के लिए। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि मिली का क्या मतलब होता है, माइक्रो का क्या मतलब होता है, नैनो का क्या मतलब होता है ना। और अभी क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई जैसे अभी हम लोग का डायोड वाला टॉपिक चल रहा था, सेमीकंडक्टर डायोड है ना, तो उसमें हम लोगों ने रिवर्स बाइस कनेक्शन देखा था। तो रिवर्स बाइस में भाई हम लोग का जो करंट फ्लो रहा था उसको हम लोग लीकेज करंट फ्लो बोल रहे थे। और लीकेज करंट क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है ना, माइक्रो एम्पियर में था। तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है भाई कि माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या है। ओके, और माइक्रो को, मिली को, नैनो को समझने से पहले भाई आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि डिवीज़न का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डिवाइड हम लोग करते ही क्यों हैं। ओके, तो अभी जैसे आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास भाई एक 1 मीटर का वायर है ना, ये मान लेते हैं 1 मीटर का वायर है। और 1 मीटर कहने का मतलब क्या, इसको मैं कह सकता हूँ 100 सेंटीमीटर है ना। तो अभी 100 सेंटीमीटर मान के चलिए या फिर 1 मीटर मान के चलिए, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अभी भाई अगर मैं कहूं कि इस 1 मीटर के वायर को आप 10 लोगों में बांट दीजिए, बराबर बराबर आपको एक तरीके से बांटना है, तो बांटने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, एक तरीके से डिवीजन करना पड़ेगा। और क्योंकि 10 लोगों को आप बांट रहे हैं भाई, तो अगर आप बराबर बराबर कैंची से इसको काटेंगे तो सबके हिस्से में कितना कितना जाएगा बताइए। यानी 100 सेंटीमीटर था टोटल लेंथ है ना, तो इसको अगर आप 10 लोगों में बांटेंगे, मीन्स इसको डिवाइड करना है, तो भाई सीधी सी बात है, एक इंसान के हिस्से में कितना आएगा आपका, 10 सेंटीमीटर का एक तरीके से लेंथ आएगा। यानी 10 10 सेंटीमीटर का हर एक इंसान के हिस्से में ये धागा एक तरीके से बढ़ जाएगा। वही अगर इसी को अगर एनालॉगस दे करके समझाओ, जैसे मान लेते हैं भाई कि हम लोग के पास अगेन एक आम है, और इस आम को अगर आप 10 लोगों में बांटना चाहते हैं ना, तो आम का कुछ वेट होगा भाई है ना, मान लेते हैं 1 केजी का ये एक तरीके से मैंगो है, सिंगल मैंगो। और 1 केजी कहने का मतलब क्या, 1000 ग्राम है ना। तो अगर आप इसको 10 लोगों में बांटेंगे तो हर एक इंसान के पास कितना एक तरीके से मैंगो जाएगा, 100 100 ग्राम एक तरीके से मैंगो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। सही बात है। तो डिवीजन का मतलब समझिए कि बांटना होता है ना। और एक चीज समझिए, अभी तो हम लोगों ने भाई 10 लोगों में बांटा, तो हर एक के हिस्से में कितना हो रहा है, 10 10 सेंटीमीटर एक तरीके से आ रहा है। वही अगर यहाँ पे मान लेते भाई सेम हम लोग 10 सेंटीमीटर के वायर को इस बार क्या कर रहे हैं, 10 लोगों में ना बांट करके मान लेते मैं 20 लोगों में बांटता हूँ, तो सीधी सी बात है भाई कितना आएगा, 5 5 सेंटीमीटर जो है इस बार हर एक 20 लोगों के हिस्से में एक तरीके से आएगा है ना। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ऊपर वाला जो वैल्यू है, यानी जो वायर का लेंथ है, ये सेम है हमेशा, बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पर्सन को एक तरीके से बढ़ाते चला जा रहा हूँ है ना। और क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है हर एक के हिस्से में क्या आएगा, वैल्यू एक तरीके से कमते कमते चला जाएगा है ना, कम मिलेगा पहले के मुकाबले। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं सेम इस 100 सेंटीमीटर वाले वायर को अगर आप 50 लोगों के बीच में बांटते हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरीके से आएगा है ना। और उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि इस 100 सेंटीमीटर वायर को आप क्या कीजिए, 100 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक तरीके से आएगा। और मान लेते हैं भाई कि आप इस 100 सेंटीमीटर वाले वायर को क्या कीजिए, आप इस बार 1000 लोगों के बीच में डिवाइड कर दीजिए, तो इस बार क्या होगा आपका, 0.1 सेंटीमीटर एक तरीके से हर एक के हिस्से में आएगा। और इसको अगर मैं कहूँ कि 100 सेंटीमीटर वाले वायर को आप इस बार क्या कीजिए, 10000 लोगों में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो कितना आएगा बताइए, यह आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं भाई कि आप एक यूनिट लेंथ को जितना ज़्यादा लोगों में एक तरीके से डिवाइड करेंगे, तो हर एक के हिस्से में जो आने वाला लेंथ होगा या फिर जो मिलने वाला भाई वायर का लेंथ होगा, ये उतना ही कमते चला जाएगा। देख रहे हैं 0.01 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, अब इसको कैंची से भी काटना एक तरीके से भाई पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो चुका है एक तरीके से। वही अगर आप 100 सेंटीमीटर को मान लेते हैं इस बार 1 लाख लोगों के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा, 0.001
वन सेंटीमीटर हर एक के हिस्से में एक तरीके से आएगा, समझ रहे हैं? तो डिवीज़न का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये समझ में आ रहा है भाई कि एक यूनिट लेंथ को जितने ज़्यादा हिस्से में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, हिस्सा कहने मतलब क्या, जितने ज़्यादा लोगों में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही हर एक के हिस्से में कमते चला जाएगा। देख रहे हैं, पहले सिर्फ 10 लोग थे तो 10-10 सेंटीमीटर आया, 20 थे तो 5-5 सेंटीमीटर, 50 थे तो 2 सेंटीमीटर, है ना? तो जैसे जैसे आप ज़्यादा संख्या में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक इंसान के हिस्से में इसका जो आने वाला वैल्यू होगा भाई वो कमते चला जाता है। तो अभी देखिए, अभी हम लोग आते हैं कि मिली का क्या मतलब होता है। तो मिली को हम लोग ऐसे लिखते हैं 10^-3। तो भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 1/10^3 नीचे आया तो प्लस हो जाएगा ना, समझ रहे बात को? और 10^3 मतलब 1000 आप लिख सकते हैं। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1/10^3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/1000। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आपके पास एक यूनिट लेंथ है। वन का मतलब क्या हुआ, यूनिट लेंथ। जैसे यहाँ पे मैंने 1 मीटर कंसिडर किया है, तो 100 मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। तो अब समझिए कि मेरे पास 1 मीटर का वायर था, है ना, और 1 मीटर के वायर को क्या करना है, 1000 लोगों में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोगों ने भाई यहाँ पे ऑलरेडी देखा था 1 मीटर के वायर को, यानी 100 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ, इसको 1000 लोग में बांटेंगे तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। या फिर अगर आप इसको सेंटीमीटर में ना लिख के मीटर में लिखना चाहते हो तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा भाई बताइए, यह आ जाएगा 0.001 मीटर, समझे? यानी इतना छोटा छोटा आपको एक तरीके से कट करना पड़ेगा कैंची से, और 1000 लोगों के हर एक के हिस्से में कितना आएगा, इतना इतना एक तरीके से लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं भाई कि मिली का मतलब क्या है कि एक यूनिट क्वांटिटी को या फिर एक यूनिट वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, 1000 लोगों में एक तरीके से बांटना, एक तरीके से सीख रहे हैं, फिर कहिए 1000 लोगों के बीच में एक तरीके से बांटना है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे माइक्रो की बात करूँ तो 10^-6 उसको मैं लिख सकता हूँ 1/10^6, या फिर कहिए इसको मैं कह सकता हूँ 1/1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है? यानी इस तरीके से 1 stands 100,000, 10,000, 10,000 मीन्स अब क्या करना है, इस सेम 1 मीटर वाले वायर को कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 stands 100,000, 10,000, 10,000 10 लाख लोगों के बीच में एक तरीके डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा भाई, हर एक के हिस्से में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 डिजिट के बाद आपका 0 लग जाएगा, तो हर एक के हिस्से में आपका उतना छोटा छोटा एक तरीके से क्वांटिटी आएगा। और इस बार क्या है, कैंची से काटना पॉसिबल नहीं है भाई, ये बहुत ही एक तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में आपको दिखेंगे, नेकेड आई से तो आपको दिखेंगे ही नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर आप एक यूनिट लेंथ को कंसिडर करते हैं तो उसका कितना हिस्सा है एक तरीके से, यानी उस यूनिट लेंथ को अगर आप 10 लोगों के बीच में डिवाइड करें तो एक एक इंसान को जितना छोटा छोटा पार्टिकल मिलेगा वो है मेरा एक तरीके से 1 माइक्रो के बराबर। उसी तरीके से अगर आप भाई नैनो की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, 10^-9, और इसका मतलब हो गया 1/10^9, और इसका मतलब हो गया 1/, ठीक है, 3, 3, 6 और 3, 9, यानी इतने सारे लोगों के बीच में क्या करना है, इस 1 मीटर वायर वाले लेंथ को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हर एक के हिस्से में और छोटा एक तरीके से, बहुत छोटा एक तरीके से आपको लेंथ डिस्ट्रीब्यूट करने को मिलेगा, यहाँ पे हर एक के हिस्से में बहुत छोटा छोटा एक तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ से आप आइडिया लगा पा रहे होंगे भाई कि मिली का क्या मतलब है, माइक्रो का क्या मतलब है और नैनो का क्या मतलब है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों को समझना होता है। और जैसे पीको की बात करें तो पीको क्या होता है, 10^-12, इसका मतलब क्या हो कि एक यूनिट लेंथ को आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, इतने सारे लोगों में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हर एक के हिस्से में और भी क्या होगा, छोटा छोटा एक तरीके से वैल्यू आएगा। तो अभी जैसे अगर हम लोग करंट की बात करें भाई कि 1 माइक्रो एम्पियर क्या है, 1 मिली एम्पियर क्या है, तो समझिए कि अभी मान लेते हैं मेरे पास 1 एम्पियर करंट है, तो 1 माइक्रो एम्पियर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ भाई कि 1 मिली एम्पियर का, 1 मिली एम्पियर का, ठीक है, मान लेता हूँ 1 मिली एम्पियर, मैं इसको यूनिट लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ एक तरीके से, क्लियर हुआ? और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिली एम्पियर का कितना,
वन माइक्रो मतलब क्या भाई, 10^-6 यानी 1 एम्पियर को क्या करना पड़ेगा, ऐसा समझे ना, 10^-6 इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10^-6 एम्प, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया भाई 1, और इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10 × 10^-6 क्या लिख सकता हूँ भाई, नीचे आ जाएगा यानी 10^6 हो जाएगा, और इसको मैं इक्वलेंट लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा था कि 1 एम्पियर कितना करना आपको, ठीक है, 1 stands 100,000, 10 lakh, 10 lakh, यानी 1 एम्पियर करंट को अगर आप 10 लाख लोगों के बीच में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक इंसान के हिस्से में जो भी स्मॉल वैल्यू आएगा करंट का, उसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर। क्लियर हो गया। तो इतना छोटा एक तरीके से करंट होता है भाई। और 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है, 1 एम्पियर अगर मैं समझाऊँ भाई, I = क्या होता है, Q/T, और आगे कुछ नहीं छुपा है तो 1 छुपा है, चार्ज का कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, टाइम का कुछ नहीं छुपा तो 1 छुपा हुआ है। और सबका अगर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट देखें तो भाई करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो आगे में 1 था तो 1 amp = चार्ज का, ये क्यों क्या है, चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, कूलम्स, यानी 1 coulombs/ टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, सेकंड, यानी 1 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेकंड में अगर 1 coulomb चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो हो जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को कितना देखने को मिलेगा, 1 एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा, समझे। नहीं मान लेते पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो एक सेकंड में भाई अगर ए पॉइंट से उठ करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मेरा 1 एम्पियर का एक तरीके से करंट फ्लो होगा, या फिर 1 एम्पियर का करंट हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पे कूलम्स के बारे में भी समझिए, कूलम्स है क्या भाई, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो कूलम्स कहाँ से आ गया, तो हम लोग को पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मान लेते हैं अभी यहाँ से ए पॉइंट से 4 इलेक्ट्रॉन उठ करके मान लेते हैं बी पॉइंट पे पहुंच गए एक सेकंड में, तो हम लोग को कितना करंट मिलेगा भाई, बहुत ही स्मॉल करंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हुए हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता है कितना होता है, 10^-19 coulomb, -19 coulomb, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के चलते जो चार्ज में बहुत ही स्मॉल है, बहुत 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 स्मॉल है भाई, समझ रहे बात को। तो अभी कूलम्स का हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया भाई कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे 6.28 × 28 या 25 होता है × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फ्लो हो जाते हैं कितने समय में, एक सेकंड के समय में, तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई कि ये मेरा क्या है, 1 coulomb चार्ज के इक्वलेंट है। क्योंकि भाई हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डिजिट आने लगता है ना, जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं 6.28 × 10^18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 0 एक तरीके से ऐसे ऐसे लगाना होगा आपको, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हो सकता है कि आप 17 0 ही लगा पाए, या फिर 1 0 एक्स्ट्रा लगा दें, फिर 1 0 कम लगा दें, तो उसमें एरर हो सकता है हम लोग का कैलकुलेशन में। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करें, 10^18 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं इस तरीके से, समझ में आया। तो किसी भी बड़े वैल्यू को छोटे फॉर्म में लिखना हो ताकि हम लोग का टाइम सेव हो या फिर एरर ना आए, तो इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर हो गया। और इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होगा तो उसके चलते जो हम लोग को करंट मिलेगा, या फिर कहिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आते हैं इसको हम लोग 1 coulomb चार्ज बोलते हैं, और एक सेकंड में अगर आपका इतना सारा इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो मेरे को 1 एम्पियर करंट एक तरीके से मिल जाएगा, समझे। तो वही है कि 1 एम्पियर करंट का मतलब भाई कि एक सेकंड में अगर 1 coulomb चार्ज का मतलब 6.28 × 10^18 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो जाते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर करंट, ओके। और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या है भाई कि ये जो 1 एम्पियर करंट है इसका कितना हुआ हिस्सा, तो 10 लाख लोगों में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक इंसान के हिस्से में कितना एक तरीके से आएगा करंट का वैल्यू, वो है मेरा 1 माइक्रो एम्पियर। और मिली का मतलब क्या हो गया भाई, मिली का मतलब है कि 1 एम्पियर का क्या कीजिए आप, 1 एम्पियर को आप 1000 से भागा दे दीजिए, तो हर एक इंसान यानी 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एक इंसान के हिस्से में जो भी करंट आएगा वो मेरा 1 mA का करंट होगा। और नैनो का मतलब भाई, नैनो का मतलब है कि 1 एम्पियर को कितने लोगों में,
10 का पावर माइनस 9 तो नीचे 10 का पावर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उतने सारे लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर एक के हिस्से में जो करंट आएगा वो मेरा नैनो होगा। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई हम लोग ओवरऑल किस में लेके चलते हैं, माइक्रो और मिली में ही चलता है, उससे नीचे हम लोग नहीं जाते क्योंकि उसके नीचे भाई फिर बहुत नेग्लिजिबल करंट हो, कोई मीनिंग नहीं निकलता एक तरीके से। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, मिली का क्या मतलब होता है, माइक्रो क्या मतलब होता है, नैनो क्या मतलब होता है, पीको क्या मतलब होता है। इसी तरीके से आपसे हम अपने वोल्टेज के लिए भी समझ सकते हैं, मिली वोल्ट का मतलब क्या है, मतलब बहुत छोटा वोल्ट, एक वोल्ट का कितना 1000 लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो हर एक इंसान के पास जो वोल्टेज मिलेगा वो है मेरा 1 मिली वोल्ट।